क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो क्या होता है किसी भी मेटल के लिए, तो वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमने कुछ यहाँ पे लाइक डायग्राम यहाँ पे पिक्चर किए हुए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे एक मेटल का यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, मेटल कोई भी हो सकती है, और यहाँ पे जो सर्फेस हमने दिखाया हुआ है ये मेटल के एटम्स को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में ये जो लाइक कैटाइंस और एनाइंस जो हमने दिखाए हुए हैं, ये यहाँ पे उस सॉल्ट को या उसके लाइक मेटल के सॉल्ट को डिनोट करते हैं जिसमें हमने मेटल को यहाँ पे डिप करके रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी मेटल का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो आप उसी मेटल को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करना होगा आपको। जैसे कि जिंक मेटल का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में, मतलब जो मेटल हो उसी के आयनिक सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे डिप करके रखना है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे जितने यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही यहाँ पे नेगेटिव आयन है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड अभी यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन जब मेटल को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है कि मेटल जो है या तो अपने सॉल्यूशन में रखे जाने पर ऑक्सीडाइज होती है या फिर वो रिड्यूस होती है। वो डिपेंड्स करता है उसकी लाइक रिएक्टिविटी पर कि वो मेटल ऑक्सीडाइज होगी या फिर रिड्यूस होगी। तो हमने पहले केस में यहां पे सपोज करके चला है, यहां हमने लिखा है कि मेटल का एटम चेंजेस इनटू कैटायन, यानी कि मेटल का एटम अपने कैटायन में चेंज होगा बाय गिविंग यानी कि दे करके इलेक्ट्रॉन्स टू द स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होता है, मेटल की एक पत्ती होती है या मेटल होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ है कि मेटल स्टेट ऑफ एस में था और वो ऑक्सीडाइज हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लाइक डोनेट किए, वो सपोज कर लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, और अगर एन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर जो चार्ज एपियर होगा वो भी कितना होगा, एन पॉजिटिव होगा। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि मेटल क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को लाइक डोनेट कर रही है और कैटायंस की फॉर्मेट में सॉल्यूशन में जा रही है। तो इसके बाद अगर केस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा जो अनायंस है वो यहाँ पे मेटल पर डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो अगर इस केस को यहाँ फॉलो करेंगे तो यहाँ पे मेटल अपने सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कैसी हो रही है, नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रही है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करेगी मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो अपने सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। सेकेंड अगर हम दूसरे केस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि मेटल आयंस, अब यहाँ पे फिर से वही केस हमने यहाँ लिया लेकिन यहाँ पे केस चेंज है, मेटल आयंस गेन यानी कि मेटल साइन क्या कर रही है, गेन कर रही है, मेटल साइन गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्ट्रिप एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्ट्रिप। तो मेटल आयन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन की जो मेटल आयन है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करके और स्ट्रिप पर यहाँ पे डिपॉजिटेड हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा और मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है कि मेटल का आयन है स्टेट ऑफ लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो मेटालिक आयन है ये वाला, ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होकर के मेटल बना रहा है और मेटल का जो एटम है वो यहाँ पे मेटल पर डिपॉजिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे दो केस है, एक केस जहां पर मेटल ऑक्सीडाइज होती है और मेटल का कैटायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। दूसरा केस है मेटल का कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, रिड्यूस होता है और यहाँ पे मेटल बनाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कौन सी हुई है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल मेटल आयन में चेंज होती है, और रिडक्शन में क्या होता है, मेटल का आयन मेटल में रिड्यूस होता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तब जाकर के जो पोटेंशियल एपियर होगा उस पोटेंशियल को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करने का भी तरीका है, यहाँ पे ई लिखते हैं, ई मतलब की पोटेंशियल हो गया और M/Mn पॉजिटिव यानी कि कौन सी मेटल केस में यहाँ पे लाइक चेंज हो रही है, तो वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे डिनोट करने का तरीका है। यहाँ पे आएगा जो पोटेंशियल जो आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्योंकि रिएक्शन जो हुई है वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और रिडक्शन में क्या हुआ कि Mn+ ion जो है वो Mn यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइन एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन, किस किसके बीच में होता है, बिटवीन द मेटल यानी कि मेटल और द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, यानी कि उसके जो आयंस है उसके आयंस के सॉल्यूशन के बीच में यहाँ पे लाइक जो डिफरेंस अपीयर होगा उसे हम यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइन एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस इन इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट में इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ई. इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. एंड इट्स मीजर इन वोल्ट. इसको मीजर करते हैं वोल्ट में, मतलब इसको वोल्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है. एंड आगे कहा गया था नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द मेटल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. अगर मतलब ये कहा गया कि मेटल का जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा या रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ये डिपेंड करेगा मेटल की रिएक्टिविटी पर कि मेटल ऑक्सीडाइज होगी विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर वो रिड्यूस होगी. अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, अगर मेटल रिड्यूस होगी तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल आएगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जिंक मेटल की बात करते हैं, काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है ये, तो ये ऑक्सीडाइज होती है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी Zn और Zn2+ ये होता है पॉजिटिव यानी प्लस का 0.76 वोल्ट. ध्यान रहे हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है. और यहाँ पे ये कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है मेटल है, जो की क्या करती है रिड्यूस होती है, और रिड्यूस अगर होगी तो कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा. और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस का 0.80 वोल्ट होता है. एक चीज और ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम ऐसा नहीं करते कि किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा है. हमें हमेशा और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है. तो अगर आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं. यहाँ लिखेंगे ई और यहाँ पे लाइक इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे जेड एन टू प्लस लेंगे और यहाँ पे जेड एन, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल. और यहाँ पे प्लस की जगह कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस का 0.76 वोल्ट. तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा. तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल. जब भी किसी मेटल को उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है. जैसे कि सॉल्यूशन और मेटल के बीच में क्या होता है,